नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम दही वाले बैंगन की करी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, छटपट मिनटों में बन जाती है। इसमें हम क्रीम, मलाई या ड्राई फ्रूट किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जो बैंगन नहीं खाते हैं वो भी इस सब्जी के लिए ना नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने 8 छोटे छोटे बैंगन ले लिए हैं। लंबे वाले भी छोटे वैरायटी के बैंगन ले सकते हैं और ये 250 ग्राम हैं। ये पहले ही अच्छे तरीके से धोकर सुखा कर लिए हैं। सबसे पहले हम इन्हें काटेंगे और इसको इस तरीके से बीच में से दो कट लगाएंगे, यानी इसके चार पार्ट हो जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा बैंगन है, बीज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके के बैंगन हो तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। इन्हें खरीदते समय ध्यान रखें इनका कलर डार्क हो, और इन्हें हाथ से आप दबाकर भी देख लें, ये थोड़े सॉफ्ट हों। इस तरीके से आप छांट कर लाएंगे तो सारे बैंगन अच्छे निकलेंगे। तो ये बैंगन को हमने काटा और खोल लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा सा नमक लगा लिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ताकि बैंगन नमकीन हो जाए। आधा छोटी चम्मच नमक लिया है। तो सारे बैंगन को पहले हमें इस तरीके से तैयार करना है। इन्हें काट कर तैयार कर लिया और नमक भी थोड़ा सा बच गया है, इसमें चौथाई छोटी चम्मच ही यूज किया है हमने। अभी बैंगन फ्राई करने हैं। इसके लिए कढ़ाई ले ली और 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया इसमें। गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया, ये बैंगन इसमें डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इन्हें तलते हैं। ये नीचे से हल्के से सिक गए हैं, इन्हें पलट देते हैं और अब इन्हें दूसरी ओर से भी हल्का सा सिकने देते हैं। इन्हें चारों ओर से अलट पलट के हल्का नरम कर लेंगे। 3-4 मिनट में ही ये बैंगन हल्के नरम होके तैयार हो गए। बस बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है इन्हें। ये देखिए, जैसे मैं ये स्पैतुला लगा रही हूँ, ये दबने लगे हैं, सिक चुके हैं, ये निकाल लेते हैं। और अब इनके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई में मुझे ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें से निकाल लेते हैं। तो गरम ऑयल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा पिंच हींग। इन्हें भून लेते हैं हल्का सा। ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है, इसे थोड़ा क्रश करके डालेंगे। फ्लेम एकदम धीमी है ताकि मसाले जले ना, और ये जो मोटा मोटा निकलता है उसे हटा देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 1 हरी मिर्च है। इनका पेस्ट बनाकर ले लिया है और इसे भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छा सा ग्रीनी नहीं हो जाता, ऑयल इससे अलग नहीं होने लगता, और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे। इस सब्जी में हम 1/2 कप दही का यूज कर रहे हैं और इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। ये 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें तीखापन बहुत कम होता है। तो ये 1/4 छोटी चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च ले ली है, इससे हल्का सा तीखापन आ जाएगा। मिर्च आप अपनी पसंद से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। तो ये सारे मसाले दही में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। दही में पहले ही मसाले मिला लें, उसकी वजह से दही फटता नहीं है और ये मसाले भी अच्छे फूल जाते हैं। ये दही को मसाले के साथ अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और देखिए कढ़ाई में ये ऑयल भी अलग हो रहा है। अब इसमें डालते हैं दही वाला मसाला। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेंगे और इसे मिलाते हुए भूनेंगे थोड़ी देर। 2 मिनट धीमी फ्लेम पर भूनना है और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 2 मिनट हमने इसे धीमी फ्लेम पर भून लिया है। फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे, लो मीडियम रखेंगे अब। और अब मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि इससे ऑयल अलग ना होने लगे। ग्रेवी के लिए जो हमने दही यूज किया है वो ताज़ा दही यूज किया है। अगर आप खट्टा दही यूज कर रहे हैं और खट्टी ग्रेवी नहीं खाना चाहते, तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको इसमें 1/4 कप क्रीम या मलाई डालनी होगी। मैंने इसमें ताज़ा दही यूज किया है, तो मैं इसमें क्रीम और मलाई कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। एकदम बैलेंस ग्रेवी होगी। और ये देखिए मसाले से ऑयल अलग होने लगा है, ये भुन चुका है। इसमें डाल रहे हैं हम 1 छोटी चम्मच नमक, या स्वादानुसार ले लीजिए।
दही की ग्रेवी बना रहे हैं तो नमक बाद में ही डालिए, क्योंकि नमक से भी कभी कभी दही फट जाता है। और अब इसके अंदर ये बैगन डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं आधा कप पानी और एक बार और मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं और अब इसे ढक कर लो मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट कुक होने देते हैं। इससे बैगन के अंदर ग्रेवी के सारे मसाले समा जाएंगे। इस सब्जी को 4 मिनट कुक कर लिया है और देखिए सब्जी के ऊपर कितना अच्छा टेक्सचर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ग्रेवी आप अपनी पसंद से थोड़ी सी गाढ़ी या थोड़ी सी पतली रख सकते हैं। अभी ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन जैसे ही ठंडी होगी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। मसाला बैगन बन चुके हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सब्जी की गार्निश कर देते हैं। दही वाले बैगन की स्पेशल करी तैयार है और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। इस सब्जी को चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ परोस सकते हैं और इतनी सब्जी परिवार के 4 सदस्यों के लिए पर्याप्त। जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे ज़्यादा टेस्टी है। बनाने में आपने देखा कितना कम टाइम लगा है, बहुत ही जल्दी बन गई है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए मुझे आपके लिए और क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।